हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कल आप लोग का राजस्थान जूनियर इंजीनियर का पेपर है, तो उन सारे पेपरों के लिए, उस पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत करके पेपर आपने तैयार किया है, आप उसको जाकर दीजिए। टीएसपी का जो पेपर था, जो आपका टीएसपी पेपर राजस्थान जूनियर इंजीनियर 2015 का, उसका सलूशन मुझसे बाकी रह गया था। कई स्टूडेंट का मैसेज भी आया था मेरे पास, लेकिन व्यस्तता के कारण उसको मैं कर नहीं पाया। एक दिन पहले इन 100 प्रश्नों को आप देख कर जाइए, हो सकता है इनमें से कुछ आ जाए तो आपके लिए बड़ा काम आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे, या मैं बगल में मैंने हर एक प्रश्न के आगे उसका आंसर भी लिख दिया है, ताकि इसका पीडीएफ मैं पेड प्लेटफॉर्म पर डालूं, तो वहां से आप उसको खोल के भी देख सकते हैं। यहां से जो चीज़ें टफ वाले क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, बाकी को हम लोग सरसरी निगाह से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है, ग्रेटर दैन 2.5 mm। दूसरे क्वेश्चन में पहला ऑप्शन कि साइमन रेन गॉज जो होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में इस्तेमाल होता है। तीसरे क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन कि कैचमेंट कहा जाता है उस एरिया को जहाँ से रन ऑफ पार्टिसिपेट करता है। चौथा क्वेश्चन कई लड़के पूछते थे, इसको आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैं बताऊँगा तो ठीक से ही बताऊँगा, वरना अन्यथा मैं बताऊँगी नहीं। ठीक है, या तो मैं किसी चीज़ को ठीक से बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता हूँ। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रैशनल मेथड के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो ये एक क्वालिटी क्वेश्चन होगा जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के अनुसार। इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी वाला ऑप्शन मतलब 1, 2, 3 एंड सही होगा, क्योंकि इसमें दूसरी और तीसरी जो कंडीशन है सेम टू सेम लाइन आपको आर सुरेश की किताब में लिखी मिलेगी, जहाँ पे आपने एजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल मेथड इक्वेशन के क्यू बराबर CIA अपॉन 360 जो होता है रैशनल फार्मूला, उस फार्मूले की जो वो है कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं या उनकी लिमिटेशन क्या है। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन उसमें सही है, सीधा सीधा लिखा हुआ है वहाँ पे। और पहला ऑप्शन जहाँ रैशनल मेथड की फार्मूला की डिफिनीशन होती है वहीं पे लिखा होता है, तो पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। चौथा में क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेनफॉल एंड रन ऑफ ऑफ सिमिलर, ये रन ऑफ और रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी सिमिलर होती है, ऐसा नहीं होता है। चौथा ऑप्शन गलत हो गया, तो 1, 2, 3 आपका जो चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो 1, 2, 3 सही, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट, डी ऑप्शन इसमें होगा या चौथा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, चौथा हो गया। पांचवे क्वेश्चन का दूसरा सही है, एकदम सीधा सीधा, रिचार्ज कैपेसिटी ऑफ द वाटर सेट 25.4 है सेंटीमीटर, तो कर्व नंबर कितना होगा। कर्व नंबर का जो फार्मूला होता है उसके अनुसार ये सीधा सीधा कितना मिलेगा आपको, 25,400 बटे 25.4 आ जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर 25,400 जो ऊपर कर्व नंबर के फॉर्मूले में लिखा होता है, नीचे लिखा रहता है 25.4, तो आपने इसमें भाग कर दिया तो कितना मिल गया आपको, सीधे 100, तो काम ख़त्म हो गया, 100 आएगा इसका। फिर आते हैं एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ, इसको बोलते हैं हम लोग रन ऑफ वॉल्यूम, एकदम सही ऑप्शन है। यहाँ पर आते हैं सातवें क्वेश्चन में, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन था। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, डाइवर्सिफाइड सॉयल टाइप, अनडिलूटेड टेरेन, इरेटिक रेनफॉल, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। भारत में मृदा क्षरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, तो एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन जो है ये आपके माइकल एम माइकल की बुक में लिखा हुआ है, इसलिए आपको इसे मानना पड़ेगा। हालांकि वनों की कटाई इंडिया में हो रही है, लेकिन एक्सेसिव तौर पे नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अपने इंडिया में 25% के आसपास इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है, जो कि घटा है 5-6% स्टैंडर्ड एवरेज 33% से, लेकिन एक्सेसिव नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये आपकी बुक्स में लिखा है इसलिए मानना पड़ेगा। इरेक्टिक रेनफॉल इंडिया में है, अनियमित बारिश होती है, अनडुलेटेड टेरेन भी है, क्योंकि कहीं पर पठार है कहीं पर प्लेन है, और इसकी वजह से भी आपको इरोजन होता है। लेकिन डाइवर्सिफाइड सॉयल टाइप मतलब कि मिट्टी के विविध प्रकार की मिट्टी है, इसका सॉयल इरोजन से कोई संबंध नहीं, क्योंकि मिट्टी किसी भी प्रकार की हो, जब तक उस पर कोई सॉयल इरोजिव एजेंट नहीं आएगा तब तक वो इरोड नहीं होगी। तो सीधा सीधा बात है कि पहला ऑप्शन कॉमन सेंस से ही कैंसिल हो रहा है, तो दूसरा तीसरा चौथा आपका सही हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। सातवें में सी ऑप्शन सही हो गया। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं, ये हर कोई किया होगा, इसको हर किसी को मालूम है, ठीक है। आठवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें कन्फ्यूजन होगा उस पर ही डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, देखिए यहाँ नौवें क्वेश्चन में कई बच्चों को कन्फ्यूजन था, इसको देख लीजिए। नौवां क्वेश्चन गलत आया हुआ है पेपर में, ठीक है। इसके ऊपर उस वक्त किसी ने चर्चा नहीं करी, हालांकि 2015 के पहले मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया भी नहीं था, तो आप लोगों को पता नहीं। 2015 के बैच में जो जूनियर इंजीनियर 2016 की तैयारी किए थे बच्चे यूपी के लिए, उनको ये क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, उस समय पे मैं ऑनलाइन नहीं चलता था, केवल प्रिंटेड फॉर्मेट में चीज़ें चलती थी। उस समय के कोर्स वर्क हमारे पड़े हुए हैं, या कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स वालों ने भी जो हमारे क्वेश्चंस थे उनका इस्तेमाल करके किताबें भी छाप ली हैं, जो कि आप लोग सॉल्व भी कर रहे हैं जगह जगह। हालांकि आंसर हर जगह पर सही से नहीं दिया हुआ, यहाँ पर भी क्वेश्चन ही गलत आया है।
इनमें से कौन सा बयान लिख दिया, देखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट के बारे में पूछा। तो इसमें दूसरा तीसरा चौथा तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। रन ऑफ प्लॉट क्या होता है, आइसोलेटेड एरिया होता है, नोन साइज ऑफ मेजर द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ड्यू टू शीट इरोजन। ये जो रन ऑफ प्लॉट बनाया जाता है, हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है कि रन ऑफ प्लॉट में कहीं पर हम लोग शीट इरोजन या स्प्लैश इरोजन को कैलकुलेट करने के लिए रन ऑफ प्लॉट का निर्माण करते हैं, जो कि हमारी 1.8 मीटर चौड़ा से लेकर 22 मीटर चौड़ाई का होता है, जिसका साइज़ आप देखेंगे तो चौथे ऑप्शन में लिखे हुए साइज़ के बराबर आएगा, 1/500 से 150 हेक्टेयर के बीच में आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कहीं 40 वर्ग मीटर या 20 वर्ग मीटर के आसपास का प्लॉट बन रहा है, 40 वर्ग मीटर के आसपास का प्लॉट बन रहा है ये। और मल्टी स्लॉट डिवीजर का इस्तेमाल करते हैं मैसोनरी टैंक में हम लोग रन ऑफ को कलेक्ट करने के लिए, ये भी एकदम सही है। एक्चुअली क्या होता है, एक होता है टैंक मेथड होता है जिससे हम लोग कहीं पर भी सॉइल के इरोजन का कैलकुलेशन करते हैं। उस टैंक मेथड में यही तीनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सीधा सीधा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में भी इसको बताया हुआ है टैंक मेथड के बारे में, मल्टी स्लॉट डिवीजर के बारे में भी बताया। तो मल्टी स्लॉट डिवीजर, रन ऑफ प्लॉट का साइज़ और ये जो तीनों चीज़ें, ये टैंक मेथड का ही स्टेटमेंट है, जो चौथा पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि टैंक मेथड से हम लोग रन ऑफ प्लॉट से हम लोग स्प्लैश इरोजन या शीट इरोजन को ही कैलकुलेट करते हैं, रिल और इंटर रिल इरोजन को कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसकी वजह से पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दूसरा तीसरा और चौथा। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या गलत है, तो पहला इसमें क्या होता, गलत होता। फिर आते हैं बेसिक इनटेक रेट ऑफ हाईएस्ट इन, ये हो गया, ये तो ठीक है। कटाव क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, अगर ढलान 2-8% हो जाए तो ये आपकी चार गुना बढ़ जाएगी। एवरेज सॉइल लॉस, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये है ना, ये सारे क्वेश्चन हर किसी ने किया है, ठीक ही है, ये क्वेश्चन आसान है। जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन था उसी पर हम आएंगे। सीढ़ीदार खेत, कम वर्षा लो रेनफॉल, 16वां क्वेश्चन का पहला होगा, सही हो गया। 7वें का, 17वें का, 14 शेल्टर बेल्ट कहलाती है, एकदम सही है। 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, लेस देन 3 मीटर होगा ड्रॉप स्पिलवे, ये भी एकदम सही है। फिर आते हैं ऊपर, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है किसी चीज़ का, हाँ इसमें आइसो बात होगा, ठीक है, ये भी सही हो गया, ये भी हर कोई किया है, सही है। साल्टेशन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को देख लीजिए भाई, हो सकता है पूछ ले। अमाउंट ऑफ सेडिमेंट लोड ट्रांसपोर्टेड बाय 8.6 टन इन ए चैनल बाय ए स्ट्रीम फ्लो ऑफ 1 क्यूमेक दैट व्हेन विल बी ए सेडिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लो। क्यूमेक का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये जान लीजिए। क्यूमेक का मतलब होता है 1 m³/s, एक दिन में कितना जा रहा है, 8.6 टन जा रहा है, तो एक दिन के अंदर पानी कितना चला जाएगा, तो आप क्या करिए, इसी के 8.6 टन में इसी का भाग कर दीजिए, इसको लीटर में कन्वर्ट करके, तो एक क्यूमेक में होता है 1 m³/s, एक क्यूमेक बराबर 1 m³/s या 1000 l/s, 1000 l/s। अब आप क्या करिए, 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी जाता है, तो 24 घंटे में कितना जाएगा, तो क्या करेंगे, 1000 लीटर में 24 × 60 × 60, मतलब 24 को 24 घंटे से गुणा किया, 60 से गुणा किया मिनट में बदल गया, 60 से गुणा किया सेकंड में बदल गया, हमने क्या किया, 24 × 60 × 60 कर दिया, और उसके बाद उसको 86.4 जो टन है उसको ग्राम में कन्वर्ट करके उसमें भाग कर दीजिए, तो आपको इनमें से चार में से एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपका आएगा दूसरा ऑप्शन। अब देखिए इसको मैंने कैसे किया है, 86.4 में आपने क्या किया, 86.4 टन था, इसको आपने क्या किया, 10^6 से गुणा कर दिया। 86.4 को पहले आपने 1000 से गुणा किया, तो कितना किस में हो गया, केजी में, फिर 1000 से गुणा किया तो ग्राम में बदल गया, तो ये 86.4 को 10^6 से गुणा करने पर ये पूरा का पूरा किस में आ गया, ग्राम में। अब इसको भाग किससे किया आपने, लीटर से, क्योंकि सारे आंसर किस में है, ग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर लीटर में। और यहाँ पर आपने क्या था, एक क्यूमिक पानी था 1 m³/s, 1 m³/s मतलब 1000 l/s, 1000 l/s को 24 से गुणा किया तो घंटे में बदल गया, फिर मिनट से गुणा किया तो मिनट बदल गया, फिर सेकंड से गुणा किया तो टोटल, ये टोटल वॉल्यूम आ गया पानी का, इतने लीटर पानी और इतने ग्राम सेडिमेंट, भाग कर दिया तो क्या मिला, 1 g/l। ऑप्शन में है, नहीं है, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करके लिखा गया है, 1000 mg/l। तो एग्जामिनर आपसे ये भी जानना चाहता है कि क्या आपको ये मालूम है कि नहीं कि एक ग्राम में 1000 mg होता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर
सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। इसके आगे के प्रश्न में जो प्रश्न था, फार्म पॉन्ड कहाँ पर होता है, जहाँ पर भूमि जो होती है इम्परमेबल होती है, ये भी सही हो गया। ये भी क्वेश्चन हर कोई किया है, ये भी किया। जहाँ बच्चों कन्फ्यूजन था मैं वहीं पर रुकने वाला हूँ, इसके अलावा मैं कहीं पर नहीं रुकूँगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाटर शेड मैनेजमेंट। तो इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये वाटर शेड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, ये आपका समझ में आ चुका होगा आपको, क्योंकि इसमें बाकी तीन उद्देश्य होते हैं। ये आपके वाटर शेड मैनेजमेंट आर सुरेश में शुरुआत में ही तीन लाइनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, जो बयान सही नहीं है उसका पता लगाएं भैया, बयान नहीं स्टेटमेंट बोल दो भाई। तो फाइंड द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें आपका चौथा कि वाटर मूवमेंट कैन बी अकर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू सॉइल। आपको मालूम है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमेशा पानी जाता है, और मिट्टी में अगर पानी मौजूद है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा पानी पकड़ के रखेगी। पानी के अंदर हवा में मॉलिक्यूल कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है, और कोहेसिव फोर्स कम है इसलिए कम मॉलिक्यूल पकड़ के रखेगा। तो वाटर कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन अधिक और एयर में कम। तो वाटर कंसंट्रेशन की खासियत क्या होती है, वो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, इसलिए सॉइल टू एटमॉस्फेयर जा सकता है पानी, लेकिन एटमॉस्फेयर टू सॉइल नहीं आ सकता अनटिल एंड इट इज़ नॉट द हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर का केस अलग हो गया, लेकिन पानी का जो मूवमेंट होता है वो एटमॉस्फेयर से सॉइल की तरफ ना होके ये आपका सॉइल टू एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए तीसरा चौथा ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 34वां हर कोई जानता है। आते हैं इस पे 35वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर सीधा सीधा ड्राई बेसिस पे पूछा, वॉल्यूम पूछा हुआ है वॉल्यूम बेसिस पर, तो आपको इन दोनों को सीधा गुणा कर देना है, 15% बेसिस इंटू 1.5, सीधा गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा 22.5%, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन। फिर स्टूडेंट जहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज थे बस उसी की ही बात करेंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, 36वां क्वेश्चन, 36वें में क्या है, पौधों की पत्तियाँ विच इज ना इवेपो ट्रांसपरेशन लॉसेस कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपरेशन फ्रॉम द प्लांट एंड इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, इवेपो ट्रांसपरेशन, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपरेशन की बात करिए यहाँ पर। ठीक, किसके माध्यम से नापते हैं, लाइसीमीटर, एक ये तो सभी को मालूम है। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का जो क्वेश्चन था ये भी एकदम सही है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, 38वें का तीसरा। स्टूडेंट जहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज थे बस उसी पर हम रुकेंगे। ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका चौथा ऑप्शन सही आएगा, 240 इसमें है ना, सीधा सीधा है, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड के संबंध से सॉल्व कर दीजिए इसको, आ जाएगा। इसके बाद बहाव की गहराई 200, चौड़ाई दुगनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, सही क्वेश्चन है। 46वें का दूसरा सही है, 47, फिर 48, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी कहते हैं इसको, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहलाती है। ये जिसने भी कॉन्सेप्ट लेक्चर पढ़ा होगा उसने इस क्वेश्चन को पढ़ते ही धुआं निकाल दिया होगा इसका, ये हो जाएगा सीधा सीधा। ड्रेनेज कोफिशियंट पूछा है तो इसको आप सीधा बता सकते हैं। ठीक है, 1800 हेक्टेयर खेत है, 24 घंटे में कितना मोटा पानी भर जाएगा खेत के अंदर, 1800 हेक्टेयर खेत है और 2.5 क्यूमेक है, तो क्या करिए, 1800 हेक्टेयर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, 1800 × 10,000 मीटर स्क्वायर भाग कर दीजिए, 25 × 24 है ना, ऐसे करिए, 1800 को गुणा कर दीजिए किससे, 10,000 से, ये क्या हो गया भैया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, अभी सेंटीमीटर में नहीं मेरे भाई, इसको याद रखना। तो ये 1800 × 10,000 भाग किससे कर देंगे, 2.5 क्यूमिक है ना, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 24 घंटे में 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 2.5 मीटर क्यूब, 24 घंटे में 24 × 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर 60 से गुणा कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया ये, 24 × 60 × 60 2.5 से गुणा कर दिया, हो गया काम। तो
इससे आपको क्या मिला, जब भाग कर देंगे तो मीटर में आंसर मिल जाएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको आंसर यहाँ फाइनल आंसर मिल जाएगा। हो गया, पहला मिल जाएगा 1.2। 50वां क्वेश्चन एकदम सही है, समांतर क्षेत्र नाली। 51वां भी सही है, 52वां भी सही है, 53वां भी सही है। 54वां क्वेश्चन है आपका, 54वां क्वेश्चन में है सी ऑप्शन 1 और 4 कौन कौन से करेक्ट हैं ड्रिप इरीगेशन के मामले में। तो इसमें दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, क्योंकि लैटरल अकेले HDPE का नहीं बनता और ऑपरेटिंग प्रेशर के अनुसार एमीटर का डिस्चार्ज है 10 लीटर पर आवर, हाई नहीं कहा जाता, ये नॉर्मल डिस्चार्ज कहा जाता है। तो दूसरा गलत है, इसकी वजह से पहला चौथा सही है। अगर कुएं का व्यास दुगना हो जाए तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 10% याद रखिएगा, ये बहुत बार आ चुका है हर जगह पे। CDA भी होगा इसमें, ठीक है, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का बी, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो नहीं करेक्ट है, इसमें आप एक काम करिए, करेक्ट कौन सा ये देख लीजिए। तो मोल्ड ड्रेनेज इज द सेमी परमानेंट मेथड ऑफ द सब सरफेस ड्रेनेज, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। इवेपोरेशन पॉन्ड कैन बी यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग ड्रेनेज वाटर, ये भी सही हो गया। द ओपन ना, ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि वाष्पीकरण तालाब जो है जल निकासी निपटाने हेतु साधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तीसरा हो गया कि द ओपन ड्रेन्स आर यूज आइदर एज ए इंसेप्टर और रिलीफ ड्रेन, ठीक है, तो इंसेप्टर ड्रेन और रिलीफ ड्रेन जो होती है, जहाँ से पानी जो है ये ऊंचाई से निचाई की तरफ ये ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसको हम लोग ओपन ड्रेन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट सही हो गए, तो बचा कौन सा चौथा, चौथा ही इसमें गलत है कि जल इन ड्रेनेज प्रैक्टिस इफ़ अंडरलाइंग लेयर हैज़ 1/10 ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द अपर लेयर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इनपरमिएबल, नहीं है, ये 120 होती है तब होती है, 1/10 की बजाय 1/20 होगी, 1/20 लिखा होना चाहिए, 1/20। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, बस हो गया। फिर आते हैं सेकेंडरी टिलेज वाला भी, चौथा ऑप्शन सही है 61वें का, और कहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न था, प्राथमिक जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोल्ड बोर्ड है, स्वदेशी हल जो होता है ये भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपर्पज़ हो जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा एक्यूरेट मोल्ड बोर्ड प्लाउ होगा, किसमें 64 में दूसरा ऑप्शन। 65 में सही है, 65 भी सही है, 67 भी एकदम सही है, 68 भी एकदम सही है, 169 में भी। अच्छा, द क्रॉप विच हैज थ्रेशिंग ऑपरेशन टोटली मैकेनाइज्ड इन इंडिया, तो इसमें दो प्रकार क्वेश्चन आते हैं अक्सर, ठीक है, हाँ हाँ 68 भी देख लीजिए, कंबाइन हार्वेस्टर की जो साइज़ होता है इसको विड्थ ऑफ कट से हम लोग पहले ऑप्शन मतलब विड्थ ऑफ कट से डिसाइड करते हैं। 69 में थ्रेसिंग ऑपरेशन के अनुसार सबसे ज़्यादा मशीनाइज्ड क्रॉप इंडिया में कौन सी है, जिसको बोलते हैं राइस, चावल का बहुत अच्छा थ्रेशर मौजूद है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे मोस्ट मैकेनाइज्ड क्रॉप इन इंडिया कौन सी है, तो उस केस में क्या कहलाती है मोस्ट मैकेनाइज्ड क्रॉप जो होती है, वो इन चार ऑप्शन को पूछ ले तो ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ। सॉरी, गेहूं नहीं होगा, अगर इन चार ऑप्शन को पूछ ले और केवल इतना पूछे कि थ्रेशिंग नहीं मोस्ट मैकेनाइज्ड क्रॉप इन इंडिया, तो मेज़ आंसर होगा, सबसे ज़्यादा मेज़ का कल्टीवेशन करना, मक्का बोना, मक्के काटने से लेकर मक्के का इस्तेमाल करने तक मैक्सिमम चीज़ें इसकी क्या है, मशीन पर आधारित है, तो ये मैकेनाइज्ड मैक्सिमम मैकेनाइज्ड है। लेकिन थ्रेशिंग ऑपरेशन के तौर पर सबसे ज़्यादा राइस में थ्रेशिंग करी जाती है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही। के बाद 71वें का तीसरा सही है, उच्च गति कम टॉर्क। इस
का भी तीसरा आएगा 1:12। 72वां क्वेश्चन, ये आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लास में भी कराया हुआ है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। 75 एडियाबेटिक प्रोसेस, ये भी एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन। इंडेंटेड होगा, रिलेटिव लेंथ सही हो गया। और 20% पे लेगा 6.25 kg, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी कराया हुआ है मैंने आपको, तो वैसे यहाँ पर रिपीटिटिव आया है तो कर सकते हैं इसको। और ये ड्राई और वेट बेसिस वाला, इस पर टाइम मैं नहीं दूंगा, ये आप लोगों ने कर रखा होगा। फिर आते हैं 80 क्वेश्चन पे, ये भी एकदम सही है, फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है। इसको आप लोग एज इट इज़ फिर से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में ऑप्शन देकर हो सकता है इसको पूछ ले, है ना। रिमूवल ऑफ फॉरेन या क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन्ड प्रोडक्ट इनटू क्वालिटी फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं। तो पहला किस में जा रहा है, देखिए पहला जा रहा है बी में, मतलब इसको ग्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन वैसे सही है, इसके हिसाब से आप इसको आपस में मिला लीजिए, एक लाइन देख लीजिए, क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट पूछ कर ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। फिर इस वाले में आया था तो फॉस्फीन होगा इसमें आंसर 81 में, स्टूडेंट ब्रोमाइड से वो थे, कन्फ्यूज थे, फॉस्फीन होगा, मिथिल ब्रोमाइड बोला जाता है उसको। फिर आते हैं UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में 135 डिग्री होता है, ये भी सही हो गया। परसेंटेज ऑफ ऑयल इन द ब्रान, इसको बोलते हैं 15-20%, है ना। वैसे 25-30% पे आप जाएंगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 20-25% होता है, ये हायर परसेंटेज को लेके चल रहे हैं हम लोग। फिर आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे, ये भी सही दिया है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सॉलिड टू वाटर हाईएस्ट ग्रास प्रोडक्शन, सॉलिड टू वाटर, ना जाओ 92 नंबर क्वेश्चन कि सॉलिड टू वाटर हाईएस्ट गैस प्रोडक्शन इन द बायोगैस प्लांट, ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मिलता है, बायोगैस उत्पादन के लिए ठोस और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए। तो इसका जो अनुपात है इसके ऊपर मैंने आपको बायोगैस टेक्नोलॉजी में इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको फिर से कन्फर्म करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका अनुपात जो है 1:10 के आसपास रहता था, वही है इसका, मैं फिर से देख के बताता हूँ। एक्चुअली डेटाबेस जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर मैं कितना भी बड़ा टीचर हो जाऊं, है ना, या कितना भी बड़ा तैयारी करने वाला इंसान हो जाऊं, भाई साहब हर चीज़ हर किसी को हर वक्त नहीं याद रह सकती, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा चीज़ों को हमेशा याद रखना वाला इंसान चाहिए। डेटा लगभग भूल ही जाता है हर किसी को, इसलिए ये सब याद नहीं रहता है। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 1:10 सॉलिड से वाटर का रेशियो, ठीक है। फिर आते हैं 92 के बाद 93 नंबर पे, पैकिंग फैक्टर, ये आपका होता है न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आसपास रेडिएशन फैक्टर फैलता है, रेडिएशन फैलता है, तो जितना रेडिएशन बाहर फैल गया और जितना रेडिएशन अंदर रह गया उसी के रेशियो को पैकिंग फैक्टर कहा जाता है। फिर आते हैं पवन चक्की वाला क्वेश्चन, 10 km/h होगा, 20 km जो भी लगा रहे हैं गलत है। 95 पे आते हैं, इसमें आपका बायोगैस होगा, ठीक है। फिर 97 भी सही है, 98 भी सही है, 99 भी सही, 100। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने ऑप्शन इसमें लिख दिए हैं, और इसको मैं आपके पेड प्लेटफॉर्म पर इसका PDF भी डालूंगा और वीडियो भी डालूंगा, और यहाँ पर भी सब इसका वीडियो देख सकते हैं आराम से, पॉज कर करके चाहे तो एक बार इस पेपर को देख के जाइएगा, काम आपके आ सकता है कल के पेपर में। सो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, बाय बाय एंड शब्बा खैर।